हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आपके बहुत अच्छे अपनी लाइफ में आपके बढ़ रहे हैं। तो जो आपके पर्सन हैं जिससे भी आप डील कर रहे हैं, उनकी क्या एनर्जी है, करंट एनर्जी क्या है, तो चलो देखते हैं क्या करंट एनर्जी है। कीप एन ओपन माइंड, मैं पहले बोल रही हूँ, कलेक्टिव है, जनरल है, तो बिल्कुल दिमाग को खुला रखिए आप और देखते हैं कि आपके पर्सन की क्या एनर्जी है, करंट एनर्जी क्या है और किस चीज़ से वो गुजरे हैं। जो भी एनर्जी में आएगा बिल्कुल आपको बताऊँगी। फर्स्ट कार्ड आया द फूल, सेकंड है जजमेंट, दो कार्ड आ रहे हैं। अच्छा, टू ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, नाइन ऑफ कप्स। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं अभी कुछ चीज़ों में उलझे हुए हैं, इमोशंस को लेकर या इमोशनली हो सकता है अपने काम को लेकर। तो कहीं ना कहीं वो अभी उनकी जगलिंग चल रही है चीज़ों को लेकर, बिल्कुल कुछ चीज़ों से ऊपर उठकर वो कहीं ना कहीं अपना स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, बिल्कुल बढ़ना चाहते हैं। अपनी काम के प्रति कहीं ना कहीं ये डेथ की भी एनर्जी शो कर रही है कि काफ़ी नेगेटिव फेज से निकले, थोड़ा सा वो कंफ्यूज हैं। हो सकता है बिल्कुल निकल नहीं दो, क्योंकि उसके बाद ही टेम्परेंस है, बैलेंस आ रहा है उनकी लाइफ में और जो भी उनकी विशेज है कहीं ना कहीं वो पूरी हो रही है। जो उन्होंने सोच रखा है अचीव करने वाले हैं वो अपनी चीज़ों को, पोजीशन मेरा निकला है तो कहीं ना कहीं प्रमोशन होने वाला है। कुछ अपने काम को लेकर भी अभी उनके लिए मैं एनर्जी निकाल रही हूँ, जो उनकी एनर्जी है। जजमेंट कहीं ना कहीं बिल्कुल वेकअप कॉल के लिए उनको बोला जा रहा है, वेकअप कॉल। ये यूनिवर्स की तरफ से उनके लिए वेकअप कॉल है, भाई जाग जाओ, नहीं तो भगवान भरोसे मत रहो, आगे बढ़ो। ओवर थिंकिंग से करने से, घर में बैठने से, जगलिंग करने से कुछ नहीं होगा। चीज़ों को चूज़ करो, डायरेक्शन चूज़ करो और आगे बढ़ो। तो यहाँ पर बैलेंस ही इसीलिए एक नई शुरुआत भी यहाँ पर हो रही है, क्योंकि बहुत ही सपोर्टेड है आपके पर्सन, बहुत ही विजडम है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो अभी रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे, लेकिन अब वो रिस्क लेने के लिए रेडी है। क्योंकि अब भगवान का जो भी फैसला आएगा वो बहुत ही आपके पर्सन के फेवर में ही आएगा। जो भी जगलिंग उनके लाइफ में चल रही थी, उतार चढ़ाव आ रहे थे, लेकिन फिर भी लाइफ को बैलेंस करके वो चल रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो बैलेंस करके चल रहे थे। इसी वजह से टेम्परेंस का कार्ड है। टेम्परेंस यही बताता है कि एंजल्स उनके साथ हैं, यूनिवर्स उनके साथ हैं, तो वो उनके लाइफ में बैलेंस लेकर आ रहे हैं। सन की एनर्जी है गाइस, क्या ही बोलूँ, हैप्पीनेस, बहुत सारी अबंडेंस उनके लाइफ में आ रही है, आपके पर्सन की लाइफ में। हो सकता है आपके आप मैरिड हैं तो आप अपने हस्बैंड मतलब एक दूसरे के लिए काफ़ी वेट किया आपने मिलने के लिए, लेकिन वो चीज़ भी पॉसिबल है। और अगर आप बेबी के लिए जा रहे थे तो बिल्कुल आप कंसीव कर सकते हैं। आपको यहाँ पर चाइल्ड बर्थ की भी एनर्जी है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर आपके काम को लेकर आपके पर्सन के लिए भी यहाँ पर है कि आप दोनों की लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ यहाँ पर मेरे को देखने को मिल रही हैं। क्योंकि एक विश है उनकी कि आपको वो बहुत प्यार करते हैं, वो चाहते हैं कि आप उनके साथ आए। ठीक है, तो यहाँ पर एक कार्ड उछल के आया और कौन सा कार्ड आया, बिल्कुल वो आपके लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर। और कुछ लोगों ने उनको रोका आपके लिए बिल्कुल, लेकिन वो आपसे बहुत अनकंडीशनल प्यार करते हैं। तो ये जो एनर्जी है कहीं ना कहीं प्लानिंग भी चल रही है उनके, बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेकर कुछ चीज़ों को उन्होंने बिल्कुल पकड़ लिया कि भाई ये काम करना ही करना है। तो हो सकता है कि बिल्कुल वो इन पैसों की वजह से जो आपके बीच में अलगाव हुआ था या कुछ भी अभी चल रहा है या उनकी लाइफ में या आपकी लाइफ में, तो कहीं ना कहीं ये जो सन है ये सारी प्रॉब्लम अब आपकी लाइफ में से दूर होने वाली है। ये जो एनर्जी है आपके पर्सन की, ये इस पर इस एनर्जी से बाहर निकलेंगे। काफ़ी पैशनेट दिख रहे हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज है, क्योंकि मेरे मुंह से निकलने वाला था कि थोड़ा सा ऑन ऑफ है अभी आपके पर्सन, लेकिन इस चीज़ से वो बाहर निकलेंगे गाइस।
अभी, क्योंकि थोड़ा सा वो अभी इस चीज से बाहर निकलना नहीं चाहते, अपने आप से निकलना नहीं चाहते। वो निकल सकते हैं लेकिन निकलना नहीं चाहते। रैंडम अगर मैं कार्ड निकालूँ तो बिल्कुल ये कार्ड ऐसे गिरा, तो बिल्कुल आपके साथ चाहते हैं कि वो आपके साथ रहे, हैप्पी फैमिली, यानी कि शादी करना चाहते हैं। अगर शादी है तो वो आपसे प्यार से रहना चाहते हैं। अगर आपके बीच में कुछ लड़ाई झगड़े हुए थे तो कहीं ना कहीं वो सॉर्ट आउट करना चाहते हैं उन चीज़ों को, बिल्कुल फिर से आपके साथ आना चाहते हैं और आपको मनाना चाहते हैं, क्योंकि आप ही उनकी स्ट्रेंथ हैं, आप ही की वजह से उनको पीस मिलता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन शुरुआत वो करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ी, यहाँ पे कुछ भी ऐसा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पर्सन की लाइफ में सबसे ज़्यादा क्या है कि अभी बहुत ज़्यादा आप ही के बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे और कुछ चीज़ों को लेकर, या थर्ड पार्टी कुछ भी फैमिली प्रॉब्लम, तो यहाँ से वो निकलेंगे क्योंकि अब वो इन चीज़ों को ज़्यादा भाव नहीं दे रहे हैं, लटकू कर रहे हैं, डिटैच हो रहे हैं इस एनर्जी से। और जो भी कंफ्यूजन था कहीं ना कहीं वो कंफ्यूजन भी दूर होने वाला है, क्योंकि वो समझ चुके हैं अपने लिए स्टैंड लेते हुए मेरे को यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से क्या है, यहाँ पर एक नई शुरुआत हो रही है, जजमेंट आ रहा है, बिल्कुल फैसला होगा। जो आपकी पर्सन है, हेल्प करिए दूसरों की, मेरे मुँह से ये निकला फर्स्ट, हेल्प करिए दूसरों की या दूसरों की मदद करिए, तो उनकी मदद को भगवान क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल उनकी मदद हो रही, क्योंकि सन का कार्ड है, एस ऑफ कप्स का कार्ड है। बिल्कुल यहाँ पर आपकी कन्वर्सेशन बहुत ही बिल्कुल होने वाली है, आपकी यहाँ पर मीटिंग भी होगी यहाँ पर। ठीक है, होली स्पिरिट एक्सपेक्ट मिरेकल्स, रिमेंबर दैट ओनली लव इज़ रियल। बिल्कुल लव इज़ रियल, जो भी चीज़ है, प्यार सब कुछ है, और स्पिरिट हैज़ योर बैक, मिरेकल विल अकर नेचुरली, बिल्कुल ये होने वाला है। ठीक है, आपको अपने पर्पस पर फोकस रखना है। जो मेरे व्यूअर्स है, रिलीज द फियर ऑफ, ठीक है, परसिक्यूशन एंड स्पीक योर ट्रूथ। बिल्कुल आप अपनी सच्चाई पर अड़िग रहिए, कृष्णा आपके साथ है गाइस। बिल्कुल यू आर लव्ड अनकंडीशनली, और जो भी गाइडेंस आपको मिल रही है कृष्णा की तरफ से वो बिल्कुल आपको मिलेगी, उस पर विश्वास रखना है आपको। तो कृष्णा आपके साथ हैं, असेंडेंट मास्टर्स आपके साथ हैं, आपको अपने ऊपर फोकस रखना है। डिवाइन ऑर्डर, लेडी पोर्शिया, डू व्हाट यू फील इज़ राइट, एंड इम्पॉर्टेंट लेसन इज़ अनफोल्डिंग। बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन जो है आपकी लाइफ में अनफोल्ड होने जा रहा है। आपको पूरी तरह से प्रोटेक्शन लेकर रखना है, ओम की चैंटिंग या कुछ भी ऐसा कीजिए कि आपको पूरी तरह से शांति मिले, पीस मिले, फोकस आपका अपने पर्पस पर रहे। सन आपकी लाइफ में निकल रहा है गाइस, आपके पर्सन की लाइफ में, इसे भी देखते हैं। बिल्कुल यहाँ पर आप मंत्रा कर सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पे मंत्रा का आया है। कार्मिक सिचुएशन से आपके पर्सन निकल रहे हैं, आप भी निकल रहे हैं, आपको ड्रीम में स्नेक्स वगैरह दिखते होंगे, तो बिल्कुल कार्मिक सिचुएशन है या कुंडलिनी शक्ति आपकी जाग रही है, तो बिल्कुल आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। ठीक है, और जो भी ऑब्स्टिकल्स है कहीं ना कहीं वो दूर होंगे आपकी लाइफ में। जो भी ऑब्स्टिकल्स कोई क्रिएट करना चाहता है वो कहीं ना कहीं दूर होंगे। आपको अपनी स्पीड थोड़ा तेज करनी है। ठीक है, आप एक ही कहते हैं ना कि एक ही साइकिल के दो पहिए, एक पंक्चर हो जाए तो दूसरा काम नहीं करता, तो आपको दोनों को बैलेंस बनाना पड़ा है, आपको और आपके पर्सन को भी। तो बिल्कुल आप अनकंडीशनल रहिए, बिल्कुल होगा अच्छा। ठीक है, आप जो भी चीज़ चाहते हैं आपकी लाइफ में होगा, फ्रूटफुल रिजल्ट्स यहाँ पर दिख रहे हैं, आपकी पर्सन की निगाह आप पर ही है। ओके, हाँ काफ़ी परेशान मेरे को यहाँ पे दिख रहे हैं, ओवर थिंकिंग चल रही, फ्रूटफुल रिजल्ट्स यहाँ पर कुछ आपके गुड न्यूज़ आने वाली है आपकी लाइफ में। बिल्कुल यहाँ पे गुड न्यूज़ आने वाली है, कुछ गिफ्ट, कुछ रिवॉर्ड आपके पर्सन की तरफ से आपको मिलेंगे, तो डोंट वरी गाइस। तो यहाँ पर मैं इसको उठा देती हूँ। ये स्टोरी थी कि आपको एक मंत्रा करना है, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय, ओम क्लीम कृष्णाय। जो आपके चीज़ें हैं वो ठीक करेंगे कृष्णा, यूनिवर्स, एंजल्स आपके क्वेश्चन के आंसर बता रहे हैं, देखते हैं क्या बता रहे हैं। हेल्पफुल पीपल आप लोगों की मदद करने की सोचते हैं, बिल्कुल मदद करते हैं। मैंने बोला ना, जजमेंट आ रहा है, अगर आपने और आपके पर्सन ने लोगों की हेल्प की है अनकंडीशनली, तो वो यूनिवर्स आपको मल्टीप्लाई करके आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं। नॉट द राइट टाइम, अगर कुछ अगर आप चाहते हैं तो नॉट द राइट टाइम क्यों आया, हम देखते हैं। ओ
कोई भी चीज़ आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, अबंडेंस चाहते हैं, अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, जॉब चाहते हैं, तो अभी थोड़ा सा आप रुकिए, परेशान मत होइए, सिचुएशन सुधर रही है, रिकवरी होने वाली है, बिल्कुल आपकी सक्सेस आ रही है आने वाले टाइम में। थोड़ा सा आपको कम्प्रोमाइज़ करना है, कम्प्रोमाइज़ इन द सेंस कि बिल्कुल आपको अपनी लाइफ में बैलेंस बना के रखना है, किसी से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, थोड़ा सा आपको भी एडजस्ट करना आना चाहिए अपनी लाइफ में। टेक एक्शन, बिल्कुल अगर आप एक्शन लेंगे आगे आने वाले दिनों में, बिल्कुल लेने वाले हैं, तो वो रिज़ल्ट आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आउटकम देकर जाएगा। ठीक है, नो नो इसलिए बोला है कि नो नीड टू वरी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, एक्शन लीजिए, यू आर रेडी, बिल्कुल नो नीड टू वरी, यू आर रेडी, तो बिल्कुल आप रेडी हैं इस काम के लिए। देखो मैंने क्या बोला, वॉर्डा वाम द डैक, देखो क्लेम कर लीजिए इस रीडिंग को, नो नीड टू वरी। एंजल्स कह रहे हैं नो नीड टू वरी, नो का मतलब कुछ और भी सकता है, लेकिन मेरे मुँह से यही निकला है, नो नीड टू वरी। ट्रस्ट कीजिए आप अपने इंट्यूशन पर, अपने आप पर, भगवान पर, ईश्वर पर, आपके साथ हैं। देखो ये कैसे बैठे हैं और भगवान की ये जो लाइट है इनके ऊपर पड़ रही है, ऐसे दोनों हाथ से उनको पूरी तरह से उनको प्रोटेक्शन दे रखी है एंजल्स ने चारों तरफ से, तो बिल्कुल आप प्रोटेक्टेड हैं, नो नीड टू वरी। बिल्कुल आपके लिए जो पर्सन है वो अभी इन सब चीज़ों से निकल रहे हैं और आपके पास बिल्कुल आएंगे, इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे गाइस, और ये जो हैप्पी फैमिली है आपकी है, तो डोंट वरी। इनसे भी देख लेते हैं क्या है, ये कार्ड आया है द ऑल्स, ओके 12 नंबर। तो अभी थोड़ी सी सिचुएशन उनकी है, अभी थोड़ा सा डिले उनकी तरफ से है, लेकिन आप ये समझो कि बहुत सारी गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आने वाली है, क्योंकि विजडम के साथ वो चल रहे हैं। 3 नंबर गुरु का होता है और आउल का मतलब ही होता है कि विजडम, पावर, चीज़ें जो होती हैं, देखो आपके बारे में ही सोच रहे हैं। ठीक है, वो आपके बारे में सोच रही है, सोच रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर गुड लक है आपके साथ और काफ़ी चीज़ें आपके लिए यहाँ पर आ रहे हैं। द जेंटलमैन, द लेडी, बिल्कुल मैंने क्या बोला, तीन दो इकट्ठे हैं ये दो। अभी आप एक दूसरे की तरफ को नहीं देख रहे हैं, बट कहीं ना कहीं ये ऐसे आने वाले हैं साथ में। आप दमाइस, कुछ चीज़ें आपको कॉट कट करनी है, कुछ चीज़ें आपको नुकसान पहुंचा रही है अंदर ही अंदर, ये जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर आपको नुकसान पहुंचा रही है, तो बिल्कुल उन नेगेटिव थॉट्स को या जो कॉर्ड्स हैं, जो एनर्जेटिक कॉर्ड्स आपसे जुड़ी हुई है, वो कट हो जाएंगी और आपके बीच की नेगेटिव कॉर्ड्स कट हो जाएंगी, तो ये रिंग आपके हाथ में आने वाली है गाइज। तो गाइज अभी के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस यू, ऑल लव यू, जय माता दी, राधे राधे।